जितना मैंने अभी पहले लेक्चर में बताया था कि आपने एक तो डेडलाइन में क्वेश्चन रखना है, ठीक है, ताकि आपका जो काम है वो अगर प्लस माइनस थोड़ा सा हो भी जाता तो आपके पास 1 या 2 दिन का क्वेश्चन हो, जिसकी वजह से वो आपका जो अकाउंट का रिव्यू ना गिरे। और सेकेंडली मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी पिछले लेक्चर में कि जी फेक रिव्यूज जो है ना वो नहीं करने। इसकी रीजन क्या है? एक तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, और उसका आपको फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो माली में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा जो बंदा ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके आया है ना वो ही कामयाब रहा है। वो लोग जो फेक रिव्यूज करवाते रहे, उन्होंने काफी ऑब्वियसली ये रिव्यू करवाना भी, इसमें अमाउंट लगती है, डिडक्शन होती हैं, और अगर आप सेम आईपी से करें तो आपका अकाउंट वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। अगर आप सेम आईपी से नहीं भी कर रहे, आपने थोड़ा उसको लॉजिकली देख के डिफरेंट आईपी से रिव्यूज कर रहे हैं, तो ये किसी हद तक तो कामयाब रहेगा, पर आपकी गुडविल फॉर द टाइम बिंग बन जाएगी। पर जब आप एक प्रोजेक्ट को कर ही नहीं सकते, आपका जो जेन्युइन एम्प्लॉयर आएगा वो उसको जब आपके देखे ना अकाउंट को कि बहुत अच्छा अकाउंट है, आपको फॉरन प्रोजेक्ट देगा, ठीक है, उसके बाद जब आप से प्रोजेक्ट ही नहीं होगा तो वो ऊपर अपना रिव्यू लगा जाएगा जी। और सम टाइम ऐसे भी लगा देते हैं रिव्यूज के जी ये फेक रिव्यूज हैं पिछले सारे, क्योंकि इससे तो काम ही नहीं हुआ, इससे तो काम आता ही नहीं है। तो इस तरह आपकी जो सारी पिछली इन्वेस्टमेंट है ऑन फेक रिव्यूज वो भी जाया हो जाएगी। इस वजह से कोशिश करें कि जेन्युइन तरीके से चला जाए, क्योंकि शॉर्टकट लगा के आगे आना थोड़ी देर के लिए तो फायदेमंद साबित हो सकता है, फिर लॉन्ग रन के लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगा, उसमें नुकसान होगा। इस वजह से कोशिश करें कि आप जेन्युइन तरीके से आए, क्योंकि मैंने माजी में ऐसे भी देखे हैं कि जी कुछ मेरे साथ आए थे और कुछ आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स बाद आए, पर वो काफी ऊपर निकल गए, मतलब कि अपने जो पहले एक्सपीरियंस थे उनको भी क्रॉस कर गए। क्योंकि ये डिपेंड करता है कुछ, ये इसमें एक्सपीरियंस इस तरह काउंट नहीं कर रहा होता है। हो सकता है कि आप में से कोई आज अकाउंट बनाए और वो सारे जितने आज तक 10 12 साल या 15 सालों में जो आए हैं इस बिजनेस में डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, वो उन सबको क्रॉस कर जाए। तो इसमें आपने ये देखना कि आपकी स्किल्स मैटर कर रही होती हैं, फेक रिव्यूज मैटर नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप एक प्रोफाइल बनाते हैं, प्रेसिव बिट बनाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर हायर कर लेता है, रिव्यू भी आपके अच्छे हैं, टाइमलाइन भी हर चीज सही चल रही है, फेक रिव्यू भी नहीं, अब क्या कि प्रोजेक्ट आपने पकड़ लिया है। क्वेश्चन ये रेज होता है जी पेमेंट, पेमेंट कैसे आएगी? अब पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि सारा सर्कल ही इसके ऊपर, मतलब जितने भी हम हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारा इसी के ऊपर तो बेस करता है। आप क्या करना है, अपने एस्क्रो, एस्क्रो सिस्टम है इसमें बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, एस्क्रो सिस्टम। आपने उससे कहना है कि भाई आप अगर $100 का प्रोजेक्ट है, आप पैसा करें, आप इसमें से 50% मुझे एस्क्रो कर दें, ठीक है, जैसे ही मैं 50% काम सबमिट कराऊंगा रिमेनिंग एस्क्रो कर दीजिएगा। इस तरह करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, अगर तो आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन होगा और वो आपसे वाकई काम चाह रहा होगा तो वो आपको एस्क्रो कर देगा 50%। और अच्छे एम्प्लॉयर्स होंगे जिनको पता होगा कि जी आपका सैंपल अच्छा है, आपके रिव्यूज अच्छे हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, वो 100% बगैर किसी निगोशिएशंस के आपको एस्क्रो कर देते हैं। और अगेन मैं ये कहूँगा कि ये गुडविल मैटर करती है, जब आपका अकाउंट अच्छा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जो है ना एम्प्लॉयर्स हायर करेंगे। अगर आपका अकाउंट मतलब उसमें फेक रिव्यूज होंगे तो उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल 2 दिन फेक रिव्यूज आपने करवा के 5/5 रेटिंग अच्छी करा ली, तो उसके बाद ऐसे भी रिव्यूज लगे होंगे जो जेन्युइन होंगे एम्प्लॉयर के, तो जिनमें उन्होंने लिखा होगा जी पिछले सारे रिव्यूज फेक हैं, क्योंकि इसको जो मैंने काम दिया ना, इस मतलब उसकी समझ नहीं आई इसको। और जो बंदा जेन्युइन रिव्यूज के साथ आ रहा होगा, उस वो एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस गेन करता आ रहा होगा, स्टेप एक होता है ना सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते हैं, ठीक है ना, आपको आसानी रहती है। आप एकदम आप सोचे जी मैं छलांग मार के 5वीं सीढ़ी पे चला जाऊं, ठीक है, उसमें आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और गिर भी सकते हैं।